नाज़रीन आप देखिए मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरिस और इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों के साथ मुतारिफ़ करवाते हैं जिन्होंने अपने शोबे में नाम और मुकाम बनाया है। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तालीम के शोबे में बहुत अहम काम किया है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उन्हें मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में और आलमी सतह पर भी काम करने का मौका मिला है। आज हम उनसे बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जानेंगे और उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में क्या क्या काम किया, उनका तजुर्बा कैसा रहा और कुछ ज़िंदगी के वो एस्पेक्ट जो आम तौर पर हमारे सामने नहीं आते आज हम उनसे पूछेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मिस एंजेला डिसा मौजूद हैं जिन्हें हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो और मुझे बहुत खुशी है कि हम आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, आपने काम किया एजुकेशन सेक्टर में और ऐसे पहलू जो हम नॉर्मली जो डेली हमारा जो रूटीन होती है उसमें भूल जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो तो मैं पूछूंगा आपसे, थोड़ा सा मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताइएगा कि कैसे आप एजुकेशन सेक्टर में कैसे आए आप। बिल्कुल 78 में मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी और फिर एक इंटरनेशनल एनजीओ के साथ मुंसलिक हुई और उस एनजीओ ने जो पहला प्रोजेक्ट मुझे दिया वो था कि थाईलैंड के अंदर उस वक्त प्रोस्टिट्यूशन जो थी, फ्लैश ट्रेड जो थी, वो अरूज पे थी, मतलब काफ़ी बढ़ रही थी। सही। तो उन्होंने ये टास्क दिया कि जाहिर है कि ये तो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, या वो जो ख़वातीन या वो जो जवान नौजवान लड़कियाँ इस तरफ आ रही हैं और गुर्बत आपको पता है इज़ द मेन रीज़न। तो फिर हम गए बैंकॉक और वहाँ जाके हमने थोड़ा स्टे किया, थोड़ा सर्वे किया, ट्रेंड्स को स्टडी किया और उसके बाद हमने एक तजवीज़ पेश कर दी कि भाई इस तरीके से ये चीज़ ख़त्म हो सकती है अगर ये तजवीज़ पे अमल किया जाए तो। और आपको ये भी खुशी होगी कि जब तजवीज़ पे अमल किया गया तो काफ़ी ख़वातीन जो थी वो बिज़नेस की तरफ आ गईं और फिर उन्होंने वो ओनर्स भी बन गईं अपने कारोबार की और उससे जो है ये मिनिमाइज़ हो गया और अब न्यू जनरेशन में अब वो चीज़ नहीं है देखने में आती जो पहले थी। ठीक है। और फिर मैं वापस आई और जब मैं वापस आई तो उस वक्त वो फादर थे, प्रिंसिपल थे फादर एंथनी लोबो सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल के और वो किसी टीचर को तलाश कर रहे थे कि जो कि आके तो उनकी उन बच्चों के साथ काम करे जो कि हमारी कम्युनिटी के थे, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, बट दे वो स्लो लर्नर्स। मैं उनको स्लो लर्नर्स इसलिए कहती हूँ कि वो उनमें सलाहियतें बहुत होती हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्डिंग्स के साथ या मैथमेटिकली दे आर स्लो इन पिकिंग अप। तो मैंने फिर मुझे आके मेरी वालदा को किसी ने बताया कि वो ढूंढ रहे, तो मेरी वालदा ने कहा ये तो नहीं जाएगी टीचिंग की तरफ लेकिन फिर भी आप पूछ लें। खैर मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। 15 दिन के लिए उन्हें चाहिए था। इट्स व्हाट एक्सीडेंटली आप एक्सीडेंटली बट मैं ये कहूँगी कि बिशप लोबो व्हेन देन ही वाज नॉट बिशप, वो एक्सिलरी भी हमारे सामने बने, बिशप रावलपिंडी के भी हमारे सामने बने और कार्डिनल जोसेफ कडेरो लेट, इन दोनों के साथ जो मेरी वर्किंग कंडीशन रही उसने यू नो इन दोनों ने मेरे ख्याल में मुझे वो चीज़ देखी दैट कुड मेक मी अ गुड टीचर आई वुड से बट आई मायसेल्फ डिड नॉट नो दैट। एनीवे आई वर्क फॉर 15 डेज एंड आई वेंट और मैंने कहा कि ओके जी खुदा हाफिज नाउ एंड आई नीड टू गो बैक and then he made me sit down and he said tell me one thing, can't you do this what you are doing, what are you do, whatever you are doing you think you cannot do this in education? Yes, think of it as blackboard and chalk and teaching. Mere liye to teaching ka ye concept tha. Both of them said no, teaching is much more than blackboard and chalk. Right. It is to transform lives. Life, wonderful. It is to bring out the inborn talent in the child and to groom the personality because the classroom is your future nation. So whatever you do today, that will be bearing fruits tomorrow. Oh, that was very attractive to me. Yes. When I go, okay, if I can do this, well and good. And then I was not restricted in St. Patrick's campus only, but then they moved me from St. Patrick's
तो सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट वो जो था स्कूल उस वक्त नेशनलाइज था, फिर डी नेशनलाइज हुआ, फिर वो अब जहाँ पे सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स है वो वहाँ आया. एंड सिस्टर क्रिस्टीन शी वॉज द प्रिंसिपल देयर, एफ सी सिस्टर्स थी वो. एंड देन दे नीडेड अ टीचर टू टीच क्लास 5 फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. मैंने कहा आई एम नॉट अ ट्रेन टीचर, आई एम नॉट अ ट्रेन टीचर एट ऑल, गो टीच, ट्रेन देम फॉर द एग्जामिनेशन. Anyway, I got into it, I trained them. Then after some time, assisting sister Christine, then after some times, then there was a group of girls being thrown out of school just because they were not doing well in grade-wise. And then Father Anthony Lobo, now of course Bishop, he told the principal at that time, who was Sister Xenia Pinto, you will not throw them out. I will give you a teacher and you give her a room. So half salary you will pay and half salary I will pay. Achha. That was in 79. Later in 80s, right? Because 79 then I got married. And then, you know, they sent me there. But and before that, I told him I don't want to get into this. And he drove me, made me sit in his vehicle, drove me to Jumma Gali. He told me, look at the left side of yours. And he said, now walk. Without saying a word, you walk with me. I said, okay. I walked with him. And since I was already steady, I mean, already doing trains and all that, so it was not difficult for me to understand the environment. And the situation of the families there, which I never entered the house, but from outside. Outside, yes. What I saw, I'm not going to say it, but it was sad. Sad. And then I came back into the car. And of course, he as a priest walked in and out and came out. And then on the way, we didn't say anything. And then we came back. He said, now what do you think? I said, okay, I will help you here. So then again, I had to meet Bishop Cardinal Joseph Cordero. Right. Because these two people were very, very interested in building up the community, educationally and with skills. Skills, that's great. So I said, okay. So then I went there and I taught. Lovely experience. That even to this day, when those girls meet me anywhere on the street, they come running to me. But what makes me happy is that at least their lives are transformed into useful citizens. That's great. They change the whole outlook of the family. So then I realized you educate one, you transform the family. Family, yes. And you transform the society. Society. Yeah. This is what I believe. That's great. That's great. And then after some time, then things changed. And then I joined the Pakistan American Cultural Center for teaching English. Okay. And then from there, Durdana Bhatt. And actually, Durdana went out for a program. And she came back and she said, come on, Angela, let's go to Larkana. There we have some lovely chance of teaching English to the teachers, because now they want some English medium schools in Larkana. Larkana, yes. And there is a family who is interested in investing in that. Yes, I said, yaar, investing, ye toh paise ka maamla ho jayega. So I said, it'll be all money matter, you see. So education is something which doesn't concern with the financial side of things. Yes. If you really have to work and give them the best. That's true. So we went teaching the teachers for the English medium. And then there was, that time Larkana was under the Karachi Diocese. And there was the FMCK nuns there. Yeah. And Father Edward, Father Tariq, they were the ones who were there at that time. And then I said, okay, chalo. And we were living in the village. I preferred living in the village because, you know, in the feudal setup, if you live on your own as women, then it is a very risky thing. Risky. Then you have to keep up yourself. Yes. To keep people at a distance. So I sort of took the challenge, went to Larkana, and in 91. Now this was in 1991. Right. And you can imagine what was the atmosphere in 1991. Ziaul Haq time, Bhutto was just hanged. Yes. Lot of things around, you know. Yeah. So why I'm mentioning these two people, because then you will understand the atmosphere of that place. Yes, that's true. Anyway, we started teaching and we had a small room where we were teaching. And
very interesting that we found that people were keen learners. They wanted to learn. They were not shy. That's and very keen to learn English as a language. And so we started teaching English. Then later on, when my task was over, I decided to move back to Karachi. Durdana stayed on. Then she was asked, I mean, I was there till time when we could establish administratively and academically an institute in Larkana, which is called the Strathmore School System there. It was a private limited enterprise. And so we worked there. But I came away after introducing the school and the society and moving back. But Durdana continued. Then when Durdana decided to move back, then the board of directors again came back to me and told me, we would like you to go there. I said, now I have a child and I cannot go there. You know, when I went in 91, I was married, but I did not have children then. But they said, don't worry, we will provide you with everything. So I said, okay. I spoke to my husband and he said, okay, we take a chance for 4 months. So I tucked my little daughter in my arms and I went there. Atmosphere was totally different to compare to 91. And this was now 96 when I went back. And that atmosphere meant that I had to put a vehicle which was all dented from all sides, do the denting painting and put it back on the road. You know, when you start an institution, it is easy. Easy. But when the institutions are sliding down or have slided down, then to pick them up, that is where your expertise come in. That is where you have to prove that, yes, this is with a difference and you have to do it. Being a woman very, I won't say, but quite strict I was. And I am when it comes to discipline, I am. And very straightforward, very straight. Because teaching, you cannot mince words. Yes. Because you are working with human beings. Yeah, you're working true. With mind, body and spirit. Yeah, there true. You cannot tell lies. There you have to, you are the head and you're a leader. So everyone looks up to you for a correct direction. So a leader must die. So I had to die. So when you die, then you bear fruit. Fruit, yes. So from 96 right up to 2017, I worked in Larkana. But I did not restrict myself just as a principal of a college or of an institute or as a CEO, but I reached out to people on the whole district level as well as outside Larkana, right up to Sakkar and Kot Dijhi, taking the children on. Then I introduced their outdoor educational programs for teachers and for students. Please tell me more about this outdoor education. What is this outdoor education? See, the child is reading about River Indus. The child is reading about Sakkar Barrage. The child is reading somewhere about Kot Dijhi, because Kot Dijhi was before Mohenjo-daro. And yes. When you go to visit Mohenjo-daro Museum, then child also goes read something about Kot Dijhi. So it was important for me to take the children, yes. Even to Manchar Lake, to Lal Shahbaz Kalandar, to Bhitai. You know, all these areas were within a reach yes. By road. So during the winter days I would do, because summers is extremely hot. It was 52 temperature. And then there were some of the foreigners who were working there around, because you have a mission hospital in Shikarpur, yeah. Where there are American doctors and nurses. So then they were also moving towards Larkana, and then they were looking for a school for the children, you know. So then they surveyed the whole district. And when they came to our school, then they came back too. It was very interesting how they came back. When there was another gentleman, Mr. Panalwati, who was a Sri Lankan, who was heading the institute for some time. And then he was on his way out, and then I came and sat in. And when the parents walked in, they said, oh, Angela, you know. Yeah. So I said, yes. And they said, well, we came earlier, and there was another man. Yeah, says he was the principal, and now yes. I am the one. And they said, we have decided to admit our children in your school. That's great. So because it was purely an English medium, where teachers were also speaking English, children, we made it mandatory for the children to speak English. And then
आई इंट्रोड्यूस्ड उर्दू इन दैट प्लेस इन इंटीरियर उर्दू लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन एंड नॉट स्टडी नाउ ऑफ कोर्स विद द फ्रेंचाइज स्कूल्स उर्दू हैज कम इन बट आई हैड टफ ऑपोजिशन आई हैड एन ऑपोजिशन टू दिस एक्सटेंट दैट दे इवन सेंड समबडी टू गो एंड उसको फर्क करो आई मीन एट गन पॉइंट ठीक है बट यू नो आई बिलीव इन वन थिंग That even if you see somebody standing to kill you there, just be very calm and just be very polite and make him sit down. So I did that. He went back and you can see I'm still alive. That's great. And so, it's a wonderful experience that you have worked. Yes, so this is what I actually did, changing the trends, changing the norms in that feudal system. Which should be according to the level or to that standards which was prevailing in the big cities of Pakistan, like Karachi or Lahore. I've also worked in Dalwal Mission High School for some time, because they were also in that process of establishing it. And then also Bishop Lobo took me there to see it. And of course, always taking me, driving me around, you know, to see. And then I said, okay, if God's wishes, I will come someday here. And then surely I went there and did a bit of contribution, asking them to send teachers to the different training programs which OUP was conducting. I prefer OUP. And then, of course, when Aga Khan board came, I've also worked with them as well. With the Sindh Technical Board also, I have worked on the paper setting side. With the Aga Khan Examination Board on the SLO sides, and I was the first one to ask Aga Khan to come and you know register us with them. Registered, yes. You see, I'm not criticizing anybody, but you have to move according to the trends. Trends, yes, that's true. And as the world is changing, if I take you a little bit into the history of how things have changed, let's go back to the 1950s. Yes. It was a generation gap where jobs were good, salaries were good, cars, lyrics and music came in. That was one decade. One decade. Generation gap. Then you come into the 60s, the year of the protest. Protest. Protest by society, protest by church, protest by parents. And to this day, it's sad that nothing could replace it. Yeah, that's true. Right? Then you come down. What do you see? The cyber in the 90s, cyber, come into the cybers in the 80s. So what took place? On three things I'll base. The society was moving so fast. Innocence of the child went away. That's true. Right? Authority of the child went away. Because parents never considered the authority to correct the child. Yeah. And then the same thing came into the educational system where teachers cannot check the child doing anything wrong. No, yeah, that's true. So, and then what do you see? Then you are telling that then what came in, the children got more knowledge about sexual education than about true life. True, that's true. So your whole system revolves around the society. And when the whole system revolves around the society, then your books academically started changing. And unfortunately, I would say, then the religious card was played in our society. Then the books also took a transformation of the religious side of things. Yeah. And which also went towards a little bit of the disintegration. And then the teachers, when see, if you want to build a society, you have to build your educational institutions. If you have to disintegrate the society, then you have to destroy your educational system or the institutions. And you can see it very clearly from the 1970s in our country, the universities have not produced any leadership. That's true. And when leadership is not produced by your universities, which is the cream of education, and you can see where we stand today. So in 2017, when I came back to Karachi, right? Can we take a break here? Yes. Then we can continue that the topic. Yes. Dazzling, yahan break lenge. Break ke baad wapis aayenge. Hamare saath rahiye.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में, और हमारी आज मेहमान हैं एंजेला डिसा, जिनसे एजुकेशन के मौजू पर हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जा रही है। दिल नहीं कर रहा कि उनकी बातों को रोकूं या जो है वो उनको इख्ताम की तरफ लेके जाऊं, लेकिन वक्त की कमी है जिसकी वजह से हम अपनी बात को जो है वो मुख्तसर करेंगे। तो अगेन यू वर डिस्कसिंग, यू केम बैक इन कराची इन 2017 में, फिर मैं कराची आ गई, अब 3 साल हो गए मुझे यहाँ। जब मैं कराची आई, जैसे मैं लाड़काना में मैंने बागड़ीज़ को भी एजुकेशन दी, अंडर प्रिविलेज को भी, ओपन द डोर्स ऑफ अ प्रिविलेज स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज एज वेल। फिर मैं जब कराची आई, मैंने कहा अब व्हाट मस्ट आई डू, आई नीड टू लुक, यू सी आई एम नॉट द काइंड टू बी कर्टेल्ड इन वन कूचा। जैसे पानी को आप कूचे में नहीं बंद कर सकते, दरिया को मेरा भी वही हिसाब है। सो देन आई डिड अ सर्वे फ्रॉम शीरिन जिना टू गडाप, अच्छा, ऑन द डिफरेंट लोकेलिटीज विच आर नॉट द प्रिविलेज क्लास लोकेलिटीज, ठीक है। फिर मैंने जब यहाँ से गडाप तक किया, फिर मुझे पता चल गया मैंने क्या करना है। आई सेड नाउ माई आई विल रिमेन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैंने देखा कि 75% बच्चा प्राइमरी लेवल भी नहीं कम्प्लीट कर पाया, मैट्रिक तो बहुत दूर की बात। ना उस बच्चे के पास स्किल्स हैं, ना उस बच्चे के पास तालीम है, तो ये माशरा क्या बनेगा। फिर मैंने कहा चलो लाइक माइंडेड लोगों को गैदर किया, कुछ मेरे साथ चल रहे हैं, कुछ पीछे हट गए, ठीक है। क्योंकि देखिए, दर्स और तदरीस एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप पैसे का लालच नहीं कर सकते, ना इसमें पैसा कमा सकते हैं। ये तो अभी ये फ्रेंचाइज खुल गए हैं और ये पैसे का रुझान हो गया, और यहाँ इस शोबे में वही काम कर सकता है जो देने की साख्त रखता है। द वन हु इज़ अ गिवर कैन बी अ गुड टीचर, इफ़ यू आर नॉट अ गिवर यू कैन नॉट मेक अ गुड टीचर, यू हैव टू बी वेरी ओपन, बट यू हैव टू हैव एन आई ऑफ एन हॉक, बास की नज़र रखनी है आपने, क्योंकि आपने दिलों के अंदर जो लिखा गया है, कुदरत ने जो लिखा है वो आपने पढ़ना है, और वो जो देता है वो रूहानियत वही देता है, वही देता है। तो जब आप उसमें रहेंगे तो वो आपको वो नज़र भी देगा, वो कुवत भी देगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम है बर्तनों को पानी से भर देना, पर मैं उसको मैं नहीं बना सकती, वो बनाता है। बिल्कुल, मैं मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं जो मरने के करीब है या जो दुख और तकलीफ में, उसको तो मैं उठा के एक हद तक ला सकती हूँ, लेकिन जिंदगी देने वाला ऊपर है। यस, दैट्स ट्रू। सो आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ टू बी एन इंस्ट्रूमेंट, दैट्स ग्रेट, अ चैनल ऑफ द वन हु हैज क्रिएटेड मी। सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं बलोचियों के, मैं वैसे भी सिंधियों के साथ थी पहले, उनकी उनको ही पढ़ाया, ठीक है। फिर अपनी कम्युनिटी जो थोड़ी सी थी वहाँ, फिर उसको डेवलप किया किसी तरीके से, और अब यहाँ हूँ। तो अब मेरी कोशिश है कि ड्रॉप आउट्स के लिए मैं कर रही हूँ काम अपनी पर्सनल लेवल पे, जिसमें एम्पावरमेंट है, और ये बच्चे 12 साल से लेके 16-17 साल तक, स्किल्स इनको देना, ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और इनको 5th क्लास का कुछ पढ़ाओ, 8th का कुछ पढ़ा के फिर 9th और मैट्रिक की तैयारी कराओ, ठीक है। अब तो आपको पता है ट्रेंड चेंज हो गया है, अब एवरीथिंग इज ऑनलाइन, इन बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया, और मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया, जहां आप नहीं जा सकते, यू कैन, क्योंकि जहां मैंने तरले मिनते करनी थी कि भाई इनको दाखला कर दे दो या इनको सिटिंग स्टूडेंट कर दो, सही, वहां पे मुझे अब वो करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, बिल्कुल। सो गॉड हैज, गॉड नोज हाउ टू टेक यू to that point where he has a plan for each one of us. तो उस्ताद जो है, फिर मैं उस्तादों का उस्ताद भी बन गई, ठीक है, फिर मैं motivational talker भी बन गई, different platforms पे, फिर अभी भी you know when you go, I'm called, या तो religious harmony के topics पे बात करनी होती है, या women empowerment के बारे में बात करनी, then I'm also a business woman, right? I deal with empowerment, तो इन खवातीन को जो गुड विथ हैंड वर्क हैं, गुड विथ कटिंग एंड सुइंग, दिस क्लोथ्स व्हाट आई वेयर इज मेड बाय अ वुमेन,
राइट नॉट बाय अ मैन. जबरदस्त. सो इट सेज बिकॉज एक एम्पावर, एक औरत को या एक बहन को या एक माँ को जब आप एम्पावर करते हैं तो वो पूरे घर को उठा देती है. उसको पता है मैंने 100 रुपए को कैसे डिवाइड करना है. और ये चीज़ मैंने कहाँ सीखी, क्योंकि मैं आई गो पब्लिक, तो मैंने ये चीज़ कहाँ सीखी, मैंने ये वहाँ सीखी कि एक औरत थी, उसके 6 बच्चे थे. हर बच्चा उसको कह रहा है मुझे चना ले दे, चने वाला आया, मुझे केला ले दे, केले वाला आया. एंड आई वॉन्टेड टू सी हाउ नाउ शी इज़ गोइंग टू मैथमेटिकली प्लीज ऑल द किड्स, एंड शी डिड इट, एंड शी डिड इट ब्यूटिफुली. चने भी लिए, फल भी लिया, चॉकलेट स्वीट भी ली, पानी भी लिया, जूस भी लिया, एंड शी डिवाइडेड दैट ब्यूटिफुली अमंग ऑल द 6 children. आई सेड वाओ. सो इट मीन्स कि दिस वुमेन हैज़ द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग, एंड शी इज़ टैलेंटेड. सो वर्किंग ऑन द ग्रास रूट लेवल इन लाड़काना इन द फ्यूडल सिस्टम एंड चेंजिंग द सिस्टम एंड फ्रीइंग द गर्ल्स हु वर not in chains, I would say physically, yes, but they were in other ways, they were, I freed them, and today they are out, and you'll be surprised that today boys and I feel very happy that boys and girls are able to choose their life partners. My teachers in my school I never encouraged, but a very open atmosphere where teachers found their matches. And that transformed also families. Where parents were speaking English along with children. That's and good. Then when other schools came, like Zavis came in, franchise city school, educators, Beacon House, they found people who were able to understand English and do so. So my contribution basically has been in building up one child in a family, and you build up the whole family. But I believe in education with skill. Skill, that's good. That's the need of our. That is the need of the hour, and that is what we have to do. Thank you so much for your time and all this insightful. That's wonderful. Welcome. That's your experience. Nazreen, जैसे कि आपने हमारे गेस्ट की आज गुफ्तगू से, उनके तजर्बे से ये सीखा है कि एजुकेशन ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने का नाम है, ज़िंदगियों को बदलने का, ज़िंदगियों को मुतासर करने का नाम है. और अनफॉर्चुनेटली टीचिंग ने कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन को, जो इसका हार्ड कोर जिसे आप कहते हैं कि इसकी रूह थी, उसको मुतासर किया है आज के जदीद दौर में. लेकिन आज भी जब आप देखें, आप में से और मुझ में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन टीचर्स ने संवारा है, इन टीचर्स ने उनकी ज़िंदगियों को बदला है. तालीम का शोबा एक ऐसा शोबा है जिस पर हमें ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है. अगर हम अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को और अपनी जनरेशन को बदलना चाहते हैं तो हमें तालीम पर फोकस करना पड़ेगा, और तालीम पर हमें जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी. इस हंगामी सूरत हाल पर इस पर काम करना होगा. आज के प्रोग्राम में आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.